स्वारघाट के सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर ना होने के चलते लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। स्वारघाट के तहत आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वारघाट में स्टाफ की कमी के कारण लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। स्वास्थ्य केंद्र में 2 डॉक्टरों के पद हैं जो कि खाली चल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर डेपुटेशन पर भेजे जा रहे हैं। सिर्फ 1 स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट तथा क्लास 1 कर्मचारी है जो कि सारी जिम्मेदारी संभाले है। अगर ये कर्मचारी छुट्टी पर जाते हैं तो स्टाफ कम होने के कारण मरीजों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ के लिए सरकार की तरफ से सरकारी आवासों का कोई भी प्रबंध नहीं किया गया है। साथ ही ट्रामा सेंटर का भी उद्घाटन हो चुका है लेकिन जिसमें अभी तक कोई भी डॉक्टर तैनात नहीं किया गया है। लेकिन ट्रामा सेंटर में आर्थो और सर्जन डॉक्टर होने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि स्वारघाट स्वास्थ्य केंद्र में दुर्घटनाओं के केस भी आते रहते हैं जिस कारण मरीजों को दूर दराज के अस्पतालों में रेफर किया जाता है। इसलिए विभाग से लोगों ने मांग की है कि खाली पड़े पदों को जल्द से जल्द भरा जाए ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी ना झेलनी पड़े। बोलना चाहेंगे, हम ये चाहते हैं सर कि डॉक्टर प्रॉपर यहाँ बन रहे जी। और हमारी परेशानी होती है जैसे रात को भी मरीज को एक बार लेना पड़ता है जी। तो डॉक्टर रात को भी यहाँ पर कोई नहीं मिलता है जी। और अब बच्चा लेके नाटक से आए और जगह सोलन से आए डॉक्टर आना चाहिए बेटी। क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर डॉक्टर को मार 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 को पूछता नहीं कोई जी। डॉक्टर नहीं मिले करते कहाँ जाएगा हम लोग को गरीब आदमी। क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर डॉक्टर नहीं आ रहे इधर 3 दिन से आ रहे हैं हम इधर कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है हमें। प्रशासन के ध्यान में भी है लेकिन जहाँ तक हमने SMO से बात की थी इस बारे में तो उन्होंने ये बताया था कि यहाँ पे 1 सप्ताह में एक डॉक्टर की ड्यूटी लगाई तो सप्ताह सप्ताह में वो डॉक्टर से यहाँ पे ड्यूटी दे। लेकिन हाईवे होने के वजह से यहाँ पे डॉक्टर्स की जो स्ट्रेंथ है जितनी होनी चाहिए वो भी ज़रूरी है तो यहाँ पे परमानेंट एक डॉक्टर आ जाए इस बारे में CMO साहब से भी बात की जाएगी। उनको हम चिट्ठी भी लिखेंगे उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पे जो डॉक्टर्स की जो स्टाफ का मामला है वो जल्दी सुलझ जाए और जो समस्याएं हैं लोगों की हेल्थ से संबंधित उसका भी निदान हो। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए बिलासपुर से रिशु प्रभाकर की रिपोर्ट।